क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की हुई घमासान लड़ाई। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह जब भारतीय टीम की दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो तेज तरह साउथ अफ्रीकन के साथ भिड़ बैठे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों ये बात है भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की, लेकिन एक बार पूरे स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाल लेते हैं। भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 202 रन लगाए तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 230 रन लगाए, तो भारतीय टीम 267 रन पर ऑल आउट हो गई अपनी दूसरी इनिंग में। साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के 240 रन का टारगेट दिया भारतीय टीम ने। दोस्तों ये वाकया है भारतीय टीम की दूसरी इनिंग का, जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और लीड दे रही थी साउथ अफ्रीका को। ऐसे में भारतीय टीम के 8 विकेट गिर चुके थे। जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए, दोस्तों उनके सामने मार्को जेनसन गेंदबाजी करने आए। दोस्तों जेनसन ने शॉर्ट गेंद रखी, जसप्रीत बुमराह ने शॉर्ट खेलने के चक्कर में मिस कर दिया, गेंद उनके हेलमेट पर लग गई। हेलमेट पर लगते ही जसप्रीत बुमराह गुस्सा हो गए। दोस्तों जैसे ही उन्हें गुस्सा आया तो वो भड़क उठे सामने गेंदबाज जेनसन के ऊपर, तो जेनसन ने भी ये बात सुनकर काफी गुस्सा दिखाया। मैदान पर वो अब्द शब्द बोलने लगे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों ये लड़ाई देखकर सभी खिलाड़ी हैरान हो गए, दोनों के बीच में घमासान बहस चालू हो गई। दोस्तों आप सभी को बता दें, एक तरफ से जसप्रीत बुमराह भी आंखें दिखा रहे थे जेनसन को, तो जेनसन भी आंख ऊपर कर बातें कर रहे थे जसप्रीत बुमराह से। दोस्तों मजा तो तब आया जब दोनों खिलाड़ी आमने सामने लड़ाई पर उतर आए। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने आए, फिर मैदान पर आना पड़ा अंपायर को। दोस्तों अंपायर ने दोनों के झगड़े को खत्म किया और एक दूसरे को वापस जाने को कहा। जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी, इसे देख अंपायर ने जसप्रीत बुमराह को समझाया। जेनसन तो नीचे सर कर वापस गेंदबाजी करने लगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह काफी गुस्से में नजर आए, लेकिन अंपायर ने उन्हें अच्छे से समझाया और वापस बल्लेबाजी करने के लिए बोला। ऐसे में जेनसन और जसप्रीत बुमराह की ये लड़ाई देख मैदान में खड़े सभी खिलाड़ी और स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक भी हैरान हो गए। दोस्तों ट्विस्ट अगर हम आपको बताएं तो लुंगी निगड़ी की इस गेंद पर जब जसप्रीत बुमराह आउट हुए तो उनकी कैच खुद जेनसन नहीं पकड़ी, जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ था। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, इस लड़ाई का विजेता कोई नहीं बना, लेकिन बुमराह 7 रन बनाकर लुंगी निगड़ी की गेंद पर जेनसन को अपना कैच देकर आउट हो गए। दोस्तों इस पूरे वाक्य पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाए। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है, तो आइए आप सभी को बता दें इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज तीसरा दिन था और शुरुआती दो दिनों की अगर हम बात करें तो शुरुआती दो दिनों में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए, भारतीय टीम ऑल आउट हो गई, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन पर अपनी पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई। ऐसे में दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 85 रन लगा दिए थे और 2 विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। अब तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम वापस से गेंदबाजी करने आई और भारतीय टीम की तरफ से चेतेश्वर पुजारा वाजिंक्य रहाणे वापस से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, जहां भारतीय टीम को बड़ी लीड देनी थी साउथ अफ्रीका को, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऐसे में आइए सबसे पहले हम चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने तूफानी अर्धशतक ठोका था, लेकिन कगिसो रबाडा की इस शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में और अजिंक्य रहाणे अर्धशतक बनाकर 58 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद चेतेश्वर पुजारा भी अर्धशतक ठोककर बेहतरीन पारी खेल रहे थे 53 रन बनाकर, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रबाडा की। दोस्तों ये गेंद पर LBW की अपील की कगिसो रबाडा ने और गेंद सीधा विकेटों को लग भी रही थी, जिसके चलते चेतेश्वर पुजारा को 53 रन पर अर्धशतक बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। ऐसे में इनके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत ने आकर गैर जरूरी शॉट खेला, एक ऐसा शॉट जिसकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। दोस्तों इस शॉट पर पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई बल्ले का एज लेकर और यहीं पर ऋषभ पंत की बड़ी विकेट मिली साउथ अफ्रीका को रबाडा की गेंद पर, वो भी सिर्फ वही 0 रन पर, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग गुस्सा है ऋषभ पंत के ऊपर। उनके बाद अश्विन भी जल्दी आकर चल बसे 216 रन पर, इस गेंद को पढ़ नहीं पाए लुंगी निगड़ी की और पीछे खड़े विकेट कीपर को अपनी कैच दे बैठे अश्विन इस तरीके से। ऐसे में अश्विन की भी विकेट साउथ अफ्रीका की टीम को मात्र 16 रन पर मिली। ऐसे में यहीं पर भारतीय टीम ने बड़े विकेट खो दिए थे। उनके पास शार्दुल ठाकुर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, शार्दुल ठाकुर भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें, जेनसन की शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए और पीछे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे शार्दुल ठाकुर महाराज को और 28 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए शार्दुल ठाकुर, जो एक अच्छी पारी थी। ऐसे में इसके बाद मोहम्मद शामी भी पीछे जाती हुई गेंद को खेल बैठे और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और इस तरीके से मोहम्मद शामी आते ही मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद तूफानी तरीके से आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने एक बेहतरीन तरीके से छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए जसप्रीत बुमराह। लुंगी निगड़ी की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बैट घुमा बैठे, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार नहीं फील्डर के हाथ में जा गिरी। ऐसे में जसप्रीत बुमराह भी मात्र 7 रन बनाकर इस तूफानी मुकाबले में आउट हो गए, 9 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज की थी, वो इस तरीके से बोल्ड हो गए। ऐसे में लुंगी निगड़ी ने उन्हें बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग में
167 रन पर ऑल आउट हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम 267 रन पर ऑल आउट हो गई अपनी दूसरी इनिंग में, और अब साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला है मुकाबला जीतने के लिए 240 रन का। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका को अगर ये टेस्ट मुकाबला जीतना था तो साउथ अफ्रीका को 240 रन लगाने थे। ऐसे में डीन एल्गर और उनके साथ एडन मार्करम सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन एक और बार बड़ा झटका लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने दिया एडन मार्करम के रूप में साउथ अफ्रीका को, जहां इस गेंद पर LBW आउट हो गए। एडन मार्करम 31 रन बनाकर ठाकुर की इस गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद डीन एल्गर के साथ पीटरसन ने एक अच्छी साझेदारी निभाई। दोस्तों आप सभी को बता दें, दोनों के बीच में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। ऐसे में इस मुकाबले में डीन एल्गर ने भी 32 रनों से ज्यादा की तूफानी पारी खेली थी और उनके साथ कीगन पीटरसन 28 रन पर खेल रहे थे, लेकिन तभी अश्विन की गेंद पर LBW आउट हो गए पीटरसन और 28 रन बनाकर आउट हो गए, और यहीं पर दो विकेट गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 130 से भी ज्यादा रनों की दरकार थी। ऐसे में अब चौथा दिन साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में आखिरी दिन होगा जहां साउथ अफ्रीका इतने टारगेट को पूरा करने आएगी। इस समय साउथ अफ्रीका को अभी भी जीत के लिए 122 रन चाहिए और चौथे दिन अब बल्लेबाजी करने आएगी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन काफी शानदार तरीके से शुरू हुआ, जहां तीसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी थी और भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों आइए एक नजर हम डालते हैं शुरुआती दो दिनों पे कि शुरुआती दो दिनों में ऐसा क्या हुआ इस टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए, भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन पर अपनी पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई। ऐसे में दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 85 रन लगा दिए थे और दो विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। अब तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम वापस गेंदबाजी करने आई और भारतीय टीम की तरफ से चेतेश्वर पुजारा व अजिंक्य रहाणे वापस से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, जहां भारतीय टीम को बड़ी लीड देनी थी साउथ अफ्रीका को, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऐसे में आइए सबसे पहले हम चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने तूफानी अर्धशतक ठोका था, लेकिन कगिसो रबाडा की इस शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में और अजिंक्य रहाणे अर्धशतक बनाकर 58 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद चेतेश्वर पुजारा भी अर्धशतक ठोककर बेहतरीन पारी खेल रहे थे 53 रन बनाकर, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रबाडा की। दोस्तों ये गेंद पर LBW की अपील की कगिसो रबाडा ने और गेंद सीधा विकेटों को लग भी रही थी, जिसके चलते चेतेश्वर पुजारा को 53 रन पर अर्धशतक बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। ऐसे में इनके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत ने आकर गैर जरूरी शॉट खेला, एक ऐसा शॉट जिसकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। दोस्तों इस शॉट पर पीछे खड़े विकेटकीपर के दस्तानों में की गेंद गई बल्ले का एज लेकर, और यहीं पर ऋषभ पंत की बड़ी विकेट मिली साउथ अफ्रीका को रबाडा की गेंद पर, वो भी सिर्फ 0 रन पर, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग गुस्सा है ऋषभ पंत के ऊपर। उनके बाद अश्विन भी जल्दी आकर चल बसे 216 रन पर। इस गेंद को पढ़ नहीं पाए लुंगी निगेड़ी की और पीछे खड़े विकेटकीपर को अपनी कैच दे बैठे अश्विन इस तरीके से। ऐसे में अश्विन की भी विकेट साउथ अफ्रीका की टीम को मात्र 16 रन पर मिली। ऐसे में यहीं पर भारतीय टीम ने बड़े विकेट खो दिए थे। उनके पास शार्दुल ठाकुर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी 28 रन बनाकर मार्को जॉनसन की गेंद पर महाराज को अपनी कैच देकर आउट हो गए, और हनुमा विहारी भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों इस मुकाबले में वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ शामी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी आते ही मार्को जॉनसन की गेंद पर विरवैन को अपनी कैच देकर मात्र 0 रन पर आउट हो गए। यहीं पर भारतीय टीम के 8 बड़े विकेट चले गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी इनिंग। भारतीय टीम की लीड हो चुकी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 201 रनों की। जी हां दोस्तों, 201 रनों से साउथ अफ्रीका से भारतीय टीम आगे चल रही थी। दोस्तों आपको भारतीय टीम का ये प्रदर्शन कैसा लगा हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने कमाल दिखा दिया है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें, तूफानी टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन था, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले की पूरी हाइलाइट। पहले दिन पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए थे, तो वहीं साउथ अफ्रीका के 15 रन पर पहले विकेट गिर चुकी थी पहले दिन के खेल में। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम एक अच्छी स्थिति में आई बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों डीन एल्गर और उनके साथ पीटरसन की अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन उसके बाद ही ठाकुर ने इस गेंद पर फंसाया डीन एल्गर को, पद के हाथों पीछे डीन एल्गर को आउट करा दिया शार्दुल ठाकुर ने एच देकर। ऐसे में कप्तान साउथ अफ्रीका के 28 रन बनाकर ठाकुर की गेंद पर पंत को अपना कैच दे बैठे। तो उनके बाद पीटरसन ने अर्धशतक लगाया। इन्होंने भी 62 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वो भी ठाकुर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, एज लेकर बगल में खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे मयंक अग्रवाल को, और कीगन पीटरसन भी 62 रन बनाकर एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। तो उनके बाद बड़ी विकेट मिली। दोस्तों सभी को बता दें, उनके बाद वेंडर डुसन को मात्र 1 रन पर तूफानी तरीके से ठाकुर ने LBW आउट करा दिया। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद टेम्पो बुवामा, जो कि सीरीज के बेहतरीन बल्लेबाज बनते जा रहे हैं, इन्होंने भी इस मुकाबले में 51 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन जब ठाकुर ने उन्हें घूमती हुई गेंद डाली तो वो भी फंस गए। दोस्तों इस गेंद पर एज देकर पीछे खड़े ऋषभ पंत को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते टेम्पो बुवामा भी मात्र 51 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए। इनकी भी पारी बेहतरीन थी, इतनी बेहतरीन कंडीशंस में बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऐसे में उनके बाद विकेटों का पतन जारी रहा। विरवैन जो कि विकेट
विकेटकीपर थे नए बल्लेबाज से साउथ अफ्रीका के, तो उनको मात्र 21 रन पर LBW आउट करा दिया ठाकुर ने। इनका यह पहला मैच था भारत के खिलाफ, ऐसे में उनके बाद मार्को जेंसन भी 21 रनों की पारी खेल ठाकुर को बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और शार्दुल ठाकुर ने उन्हें फंसा दिया। ऐसे में मार्को जेंसन भी मात्र 21 रन बनाकर ठाकुर की गेंद पर अश्विन को अपना कैच दे बैठे। तो फिर मोहम्मद शामी आए गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने रबाड़ा को इस गेंद पर फंसा दिया। रबाड़ा चौका मारने के चक्कर में सीधे खड़े सामने खड़े सिराज को अपनी कैच दे बैठे और मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद महाराज को 21 रन पर बुमराह ने बोल्ड कर रख दिया। अब आखिरी विकेट थी लुंगी निगेड़ी की, दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने इस गेंद पर फंसा लुंगी निगेड़ी को, गेंद बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में गिरी और यही शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट पूरे किए। जी हां दोस्तों, सुबह ने मुकाबले में 7 विकेट लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट शामी ने लिए, 1 विकेट बुमराह ने लिए और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 229 रन पर ऑल आउट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 27 रन ज्यादा लगाए भारतीय टीम की तरफ से।